नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इतिहास बोध हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को पता है, संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। भारत भी इस वैश्विक महामारी से अछूता नहीं है। आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन को आगामी 3 मई तक बढ़ाया गया है। केवल मात्र लॉकडाउन ही इस महामारी से लड़ने का एक सक्षम उपाय है। इस लॉकडाउन के दौर का आप कैसे सदुपयोग करें, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी प्रेरणादायक है। वीडियो को लास्ट तक देखें। लॉकडाउन में आप क्या करें, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। लॉकडाउन को आप एक क्राइसिस के तौर पर ना लें, लॉकडाउन को आप एक अवसर के तौर पर लें। यहाँ पर मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की एक स्टेटमेंट को कोट करने वाला हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इन द मिडस्ट ऑफ एवरी क्राइसिस लाइज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई रिपीट, In the midst of every crisis lies great opportunity. हर संकट के बीच में महान अवसर निहित है। हर संकट एक अवसर होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सकारात्मक होना जरूरी है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि हम अपने अतीत से कैसे सीख लें। अतीत में हमने बहुत सारी महामारियों को फेस किया है, बहुत सारी महामारियों से सामना किया है। इस महामारी का सामना भी हम करने के लिए तैयार हैं। इतिहास की अगर हम बात करें, इतिहास का सर्वप्रथम अर्थ यही है कि हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इससे प्रेरणा लेकर सुखद भविष्य का निर्माण करें। आपका और हमारा दायित्व यही है कि लॉकडाउन का पालन करके इसका सदुपयोग कर सुखद भविष्य के निर्माण हेतु अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आप लॉकडाउन को एक अवसर के तौर पर लें, खूब पढ़ाई कीजिए। कहीं भी आपको दिक्कत आती है, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां से आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। अब सवाल आता है, इस वैश्विक महामारी के संकट में अवसर कहाँ है। अवसर बहुत सारे हैं। आप अपने घर में रहिए, घर से पढ़ाई कीजिए। और ऐसे दौर में बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी। बीमारी के समय, एक महामारी के समय, विश्व युद्ध के समय, इतिहास में हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें लोगों ने एक संकट को अवसर के तौर पर लिया है। तो आप इस क्राइसिस में क्रिएटिव काम कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टे सेफ, स्टे एट होम। नमस्कार।